हिमाचल में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरी का एक ऐसा ही मामला जिला बिलासपुर के पुलिस थाना स्वारघाट के तहत नेशनल हाईवे 205 से सटे कृषि प्रचार केंद्र और पशु निरीक्षण संस्थान स्वारघाट में पेश आया है, जहां अज्ञात चोर स्टोर और कार्यालयों के ताले तोड़कर करीब 15 से 20 हजार का सामान ले उड़े हैं। हिमाचल में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी का एक ऐसा ही मामला जिला बिलासपुर के पुलिस थाना स्वारघाट के तहत नेशनल हाईवे 205 से सटे कृषि प्रसार केंद्र और पशु निरीक्षण संस्थान स्वारघाट में पेश आया है, जहां अज्ञात चोर स्टोर और कार्यालयों के ताले तोड़कर करीब 15 से 20 हजार का सामान ले उड़े। चोरी की घटना का पता सुबह चला जब कृषि प्रसार केंद्र स्वारघाट के अधिकारी कार्यालय पहुंचे और पाए कि कार्यालय के साथ साथ स्टोर के भी ताले टूटे हुए हैं। कृषि प्रसार अधिकारी प्रताप चंदेल ने पुलिस को चोरी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची। कृषि प्रसार अधिकारी स्वारघाट प्रताप चंदेल ने बताया कि अज्ञात चोर 2 इलेक्ट्रिक मोटर 5 टूल किट उड़ा ले गए हैं। आपको बता दें कि कृषि प्रसार केंद्र के साथ साथ यहां विकास खंड कार्यालय SDM तहसील कार्यालय BEO कार्यालय है, फिर भी चोर निडर होकर चोरी की घटना को अंजाम दे गए। जब पुलिस स्वारघाट से बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि हाईवे की रेगुलर गश्त की जा रही है। स्वारघाट जैसे ही ऑफिस में हमारे सुबह हमारे जो अधिकारी BTM हैं उन्होंने प्रवेश किया तो हमारे ऑफिस का ताला टूटा हुआ था और उसमें जो अंदर जब वो गया तो उसने देखा कि एक हमारे अंदर का स्टोर था उसका भी ताला टूटा हुआ था। वैसे ही उसको शक हुआ, वो बाहर आया तो बाहर जब वो आया तो उसने देखा कि जो मेन स्टोर था उसका ताला भी टूटा हुआ था और बाहर पड़ा था। तो ये इसमें जो हमने पुलिस को सूचित किया है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और हमारे स्टोर से जो थी जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और 5 इंप्लीमेंट्स के टूल किट और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स ये गायब है। बाकी सामान तो बाकी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चोरी हुआ है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।